भाई बॉलीवुड का सबसे खतरनाक एक्टर अमरीश पुरी जो कि विलन एक्टर है जिससे सबकी फटती है भाई, लेकिन उसका सिक्योरिटी गार्ड को देख लो भाई, कोई चिंता कोई फिक्र ही नहीं है भाई, एकदम बिंदास सोया हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। भाई अमरीश पुरी तो इससे भी परेशान हो क्योंकि भाई ये कैसे बंदा है भाई। ये घर देख सकते हो भाई, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। आज दिखाते हैं आपको इस घर के बारे में भाई। ये जो छोटी सी आपको बहुत ही शानदार डिज़ाइन के साथ आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये अमरीश पुरी की बिल्डिंग है। हम दिखाएंगे उनको आपकी संपत्ति कितने की है और क्या है उसका प्राइस। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि अमरीश पुरी अब इस दुनिया में नहीं है। 12 जनवरी 2005 को ब्रेन ट्यूमर की वजह से मुंबई में इनका निधन हो गया। दोस्तों अगर बात करें इनके घर की तो घर को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। कुछ बॉक्स बॉक्स आकार का आपको ये वॉल यहाँ से दिखाई देगा और साइड से अगर आप देखोगे ना तो पूरा ग्रीनरी एकदम इनके घर में दिखाई देगी। अमरीश पुरी का पूरा नाम बहुत कम लोगों को मालूम होगा। इनका पूरा नाम अमरीश लाल पुरी था और इनका जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, इनका जन्म पंजाब में हुआ था। एजुकेशन की बात करें तो शिमला में इन्होंने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया और इसके बाद इनको फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने बहुत सारा ऑडिशन दिया, लेकिन किस्मत की बात होती है ना भाई, इस वजह से इनको सफलता नहीं मिल पाई और ये हर जगह रिजेक्ट हुए। फिर इन्होंने थिएटर को ज्वाइन कर लिया और थिएटर ज्वाइन करने के बाद में ये वहाँ पे नाटक का रोल निभाने लगे। तो इनके नाटक को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया, तो जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हो गए और उसके बाद में इनको मूवी में काम मिलना शुरू हो गया। दोस्तों बात करें तो इनका जन्म 22 जून 1932 में पंजाब में हुआ था। इन्होंने बहुत ही पॉपुलर मूवीज़ में काम किया जिसका नाम है निशांत, भूमिका, मथन और इसके अलावा शाहरुख खान के साथ सबसे पॉपुलर जो मूवी दिया वो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ जिसको हम बोलते हैं, और करण अर्जुन। भाई ये इतने ज़्यादा पीस लोकेशन पे रहते हैं। संपत्ति की बात करें तो आप संपत्ति का आंकड़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो लोकेशन है ये जुहू का लोकेशन है और जुहू का लोकेशन सबसे महंगे और सबसे पॉश लोकेशन में आता है और करोड़ों की संपत्ति है ये, वरदान इनकी बिल्डिंग का नाम है। दोस्तों बता दें कि इनके 4 भाई बहन हैं और अमरीश पुरी की फैमिली की बात करें तो अमरीश पुरी के 2 बच्चे हैं, राजीव पुरी और एक बेटी है नम्रता पुरी। बात करें नम्रता पुरी की तो उनकी शादी हो चुकी है और वो एक बहुत अच्छी कलाकार भी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमरीश पुरी अपने कैरियर में इन्होंने बहुत नाम सम्मान कमाया है और उनके घर की बात करें तो बहुत अच्छे से उन्होंने पर्सनली उसको डेकोरेट किया है। ग्रीनरी, हरा भरा, पूरा इसका डेकोरेशन, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने खुद करवाया है। अभी तो फ़िलहाल वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन आप देख सकते हो पूरा सारी सुविधाएं हैं, AC आपको दिख सकती है, खिड़की देख सकती है, उसमें पर्दा लगा हुआ है और ये ग्रीनरी तो आपको दिख ही रही है। बहुत ही शानदार घर है इनका, बहुत ही शानदार डिज़ाइन है इस घर की। इनके भाई लोगों में ये पीछे रह गए और इनके सारे भाई मुंबई में आकर शिफ्ट हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में लग गए, लेकिन अमरीश पुरी कहीं ना कहीं पीछे रह गए। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, जगह जगह ऑडिशन दिया, रिजेक्ट हुआ, उसके बाद में इन्होंने नाटक ज्वाइन किया, नाटक में इनको कामयाबी बड़े मुश्किल से मिली, तब जाकर इन्होंने नाम सम्मान कमाया और बाद में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। और बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि इन्होंने जो नाटक का रोल, यूँ कह सकते हो कि अपने करियर का जो पहला जो नाटक का जो स्टार्टअप इन्होंने किया था वो महाराष्ट्र में जो नाटकीय सिस्टम जो चलता है मराठाओं का, महाराष्ट्रियों का, तो वहाँ पे इन्होंने मेनली नाटक दिखाना शुरू किया था और इन्होंने जो है फिर आकर तरक्की पाया और नाम कमाया। सोचिए इनका जन्म पंजाब में, एजुकेशन शिमला में, नाटक महाराष्ट्र में और अंत में जाके बॉलीवुड का सबसे बड़ा सबसे फेमस विलन का जो उपाधि है इन्होंने अपने नाम कर लिया। और भले ही ये इस दुनिया में अभी नहीं है लेकिन ये हमेशा हमारे दिलों में राज करते रहेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको अमरीश पुरी जी कैसे लगते हैं, उनके आपने कौन कौन से मूवीज़ देखी है और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।